गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, और कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। एक बार देखिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज सोम की 36 लेक्चर है, 35 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप सीक्वेंसली देखें, क्वेश्चंस आपको फर्स्ट चैप्टर के आप कर लिए, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हम कराएंगे, जल्दी कराएंगे। पहले आप क्लास को रेगुलर कर ले, अटेंड कर ले। गुड मॉर्निंग सबको, एक बार कंफर्म करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मोहर सर्किल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट डे हम लोग ने समझा कि किसी एक पॉइंट पर स्ट्रेस निकालना जरूरी क्यों होता है। भाई हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पहले तो उसकी इंपॉर्टेंस ही जाने ना कि इस चैप्टर को हम पढ़ के क्या कर लेंगे, भाई क्या हो जाएगा। एग्जाम तो निकालना ही है, एग्जाम से पहले क्या कल को वो कहीं हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्या हम उसको जोड़ पा रहे हैं। किसी कॉलम की भी आपको डिजाइन करना पड़ सकता है, आपको कहीं ना कहीं ब्रिज की भी डिजाइन करना पड़ सकता है। आप एक अच्छे इंजीनियर बनने वाले हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस ही को आप ध्यान रखें। और सोम थोड़ा क्या है कि ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ में आपको जोड़ते जाएगा। हर जगह सोम है, हर जगह मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स तो है ही, और सोम इसलिए है क्योंकि आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने जा रहे हैं, डिजाइन इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो आपको सोम पढ़ना ही पढ़ना है। और कोई भी मशीनरी या कोई भी पार्ट से बिना स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होगा, लोड आएगा, टूटेगा, क्यों टूटेगा, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। टूटने से पहले बचा लेंगे तो आप अच्छे इंजीनियर कहलाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लासेस थोड़ी सी लेट हो रही है, लेट शुरू हो रही है, उसके भी कई कारण हो सकते हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स भी आ रहे हैं, पर क्लासेस हो रही है ये ध्यान रखिएगा। रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस डेली होंगी, ठीक। तो कल हमने आपको पहले दिन बताया कि पॉइंट स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस ही क्या था, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेस का मान बदलता रहता है। किसी एक सेक्शन में भी जाएं और उस सेक्शन में भी हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस समान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बदलता रहता है, इसलिए हर एक पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। और क्रिटिकल को ही से पहला तो यही जानना जरूरी कि क्रिटिकल पॉइंट्स पाएंगे कैसे, कहां मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। तो जब क्रिटिकल पॉइंट्स आप जान जाएंगे, तब फिर हम उसको डिजाइन के लिए यूज कर लेंगे। खैर चलिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्लियर हुआ। जो प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स था वो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप कर रहा था, और जो प्लेन के अलोंग था वो शियर स्ट्रेस डेवलप कर रहा था। इसी दौरान हम सब लोगों ने नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में भी जाना। नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस दिया। टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस दे दिया। क्लियर? टेंजेंशियल क्या हुआ? पैरेलल टू द प्लेन, और नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके बाद हम सब लोग ने देखा टेंसर। तो टेंसर कुछ नहीं, किसी भी क्वांटिटी को, वही कुछ भी अगर रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज भी है, डेराइव्ड क्वांटिटी भी है। फंडामेंटल क्वांटिटी में मतलब क्या है? भौतिक राशियां हैं भाई, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए तो राशि की जरूरत है। सबको पता है आलू आलू ही था, पर आलू को बेचने के लिए कुछ तरीका ढूंढा गया, और उस तरीके के लिए एक मार्क बनाया गया कि एक किलो आलू इसके बराबर होगा, इसके मास के बराबर होगा। तो सब लोगों ने मास एक नई क्वांटिटी बता दी। किसी की हाइट नापना है, किसी का यहां से वहां तक की दूरी नापना, खेत नापना है, तो किसी ने कहा कैसे, क्या सोचा जाए, तो रस्सी देखा, रस्सी से, अब रस्सी में मार्क किया गया, मार्किंग की गई कि इतना एक मीटर है, इतना मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि एक मीटर इतना बड़ा होगा, और ऐसा सेट किया गया यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। तो ऐसे हर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको टेंसर के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही टेंसर है। अब स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, और स्ट्रेस ने कहा हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन भी चाहिए। तो इसलिए स्ट्रेस हो गया सेकेंड ऑर्डर टेंसर, वेक्टर हो गया फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और स्केलर हो गया जीरो ऑर्डर टेंसर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे मास का ऑर्डर ऑफ टेंसर, तो जीरो है मास, इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटीज के क्या हो गए? जीरो ऑर्डर टेंसर होंगे। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑर्डर ऑफ टेंसर के बाद फिर हमने किसी भी स्ट्रेस को रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझा कि कैसे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे।
अब स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेन भी जरूरी है और डायरेक्शन भी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लेन को भी सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन को भी सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हो रही ना बात? तो हम सब लोगों ने स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन का कल तरीका सीखा और उस तरीके से पहले हम प्लेन के बारे में जाने। किसी भी प्लेन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो दोनों एक्सिस बता दो उस प्लेन की, और या तो उसके नॉर्मल से बता दो, या तो उसका दोनों क्या बता दो एक्सिस, या तो उन दोनों की क्या बता दो नॉर्मल बता दो। बात समझ में? तो जो वाई जेड प्लेन होगा उसी का नाम एक्स प्लेन है। ऐसे जब आप लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, तो गॉस लॉ में भी एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है, और एरिया वेक्टर वह वेक्टर होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो किसी भी एरिया का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर से भी सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप टू एक्सिस रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, दो एक्सिस से रिप्रेजेंट करिए। क्लियर हो रही ना बात? समझदारी आ रही है ना सब कुछ? चलिए, तो फिर हम सब लोग ने कहा वाई जेड प्लेन को क्या नाम दे, तो वाई जेड प्लेन का नाम होगा एक्स प्लेन। सिंगल वन वर्ड से कहें तो एक्स प्लेन, क्यों? क्योंकि एक्स इज परपेंडिकुलर टू द वाई एंड जेड प्लेन एक्सिस। जो एज एक्स और जेड से, जैसे आप सिंपली कल आपने इसको देखा भी होगा कि जब हम सब लोग, ये आपका प्लेन है, ये अब इसमें आपने इसको x माना, मानने के ऊपर है y, x y जब मान लोगे उसके हिसाब से आंसर्स करें। पहले तो एक्सिस क्लियर कर लीजिए, ये x y z आपकी एक्सिस है, तो ये प्लेन आपका जो होगा वो x प्लेन होगा, x प्लेन। इसी को x प्लेन बोलो, और चाहे इसी को हम बोल दें y और z प्लेन। इसी का नाम अगर हम देखें तो इधर की तरफ z और इधर की तरफ y, तो इसी का नाम क्या होगा वाई, और इसी के साथ साथ जेड, तो इसी का नाम क्या होगा वाई जेड प्लेन। इसी का नाम क्या होगा वाई जेड प्लेन। बात समझ में आ रही? ऐसे अगर हम पूछें कि सर टॉप सरफेस का क्या नाम दें, तो इस टॉप वाले का नाम, इसका नाम, इसका नाम अगर देखें तो एक्सिस क्या है जेड और एक्स, जेड और एक्स। तो चाहे इसका नाम हम दें एक्स जेड प्लेन, चाहे इसका नाम क्या दें एक्स जेड प्लेन, या इसी का नाम क्या है वाई प्लेन, क्योंकि वाई इज द परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू दिस प्लेन। वन वर्ड नॉर्मल बताएगा और दो वर्ड बताने तो एक्सिस से बताना, क्लियर? और ये साइड की वॉल्स, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। अच्छा, आगे हम सब लोग सब कुछ डिसाइड करेंगे कि साइन कन्वेंशन की क्या बात होगी। देखिए, साइन कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस फॉर्मूले को आप क्या मान के किए हैं। अगर वो बातें सच में आपका क्वेश्चन मान रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं मान रहा है तो उसका निगेटिव है। क्लियर है ना सारी बातें? तो अब हम सब लोगों ने समझा, सारी बातें क्लियर हो गई कि प्लेन्स का एनालिसिस क्या होगा। तो स्ट्रेस जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके यहां पर दो चीजें लिखी जाएंगी। ये कल बताया था, उसको रिवाइज कर रहे हैं। पहला आपका बताएगा प्लेन, पहला आपका क्या बताएगा प्लेन, और दूसरा आपका बताएगा डायरेक्शन। पहला आपका प्लेन, दूसरा आपका डायरेक्शन। क्लियर हुआ ना? तो स्ट्रेस में दो बातें होंगी, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द प्लेन ऑफ द स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस। क्लियर? अब जैसे एक्स एक्स लिख लें तो इसका मतलब एक्स प्लेन और एक्स डायरेक्शन में, वाई जेड लिखे तो वाई प्लेन और जेड एक्स। अब एक बात और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, इस रिप्रेजेंटेशन में अगर आप ध्यान से सारी बातों को देखें तो पहला टर्म क्या बताएगा प्लेन,
फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द प्लेन एंड सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब इसमें अगर हम एक्सिस पहले देख लें तो एक्स एक्सिस आपकी बाहर की तरफ है, एक्स एक्सिस क्या है बाहर, वाई एक्सिस इधर की तरफ है और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, ये वाई और ये जेड। एक्स इधर है, वाई उधर है और ऊपर की तरफ क्या है जेड। तो अगर हम इस प्लेन की बात करें, इस वाले प्लेन की बात करें, तो ये प्लेन आपका जो होगा वो वाई प्लेन होगा, सॉरी ये प्लेन क्या होगा आपका वाई प्लेन। इस प्लेन का अगर हम नाम दें तो इस प्लेन का ये नाम है वाई प्लेन, ये आपका वाई प्लेन। क्यों वाई प्लेन? क्योंकि इसके नॉर्मल वाई है। अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, वाई डायरेक्शन भी हो तो इसका नाम क्या होगा सिग्मा वाई वाई, इसका नाम क्या होगा सिग्मा वाई वाई, क्योंकि ये वाई प्लेन वाई डायरेक्शन। दूसरा अगर हम इसका ऊपर की तरफ देखें तो इसको हम टाउ लिख देते क्योंकि ये प्लेन के अलोंग है, सियर है, तो ये क्या होगा वाई प्लेन में होगा और जेड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ है, वाई प्लेन में है और किधर होगा जेड डायरेक्शन में। ऐसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो है ये प्लेन में ही है पर ये क्या है टाउ टाऊ हो गया, क्योंकि प्लेन में है तो सियर किस प्लेन किस डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे सर वाई प्लेन में है और किधर है एक्स डायरेक्शन में है, वाई प्लेन में और किधर है एक्स डायरेक्शन में है, वाई प्लेन में बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ कौन लिया गया एक्स एक्सिस। ऐसे अगर हम टॉप वाले सरफेस पर देखें, एकदम टॉप सरफेस पर आपको बहुत क्लियरली सारी चीजें दिख रही होंगी, तो अगर हम टॉप सरफेस पर देखें तो ये जो होगा इसका नाम क्या होगा, तो सर ये जेड प्लेन में है और जेड डायरेक्शन में है। एक बात और थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें तो जब प्लेन और डायरेक्शन सेम होता है तब वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, जब क्या हो प्लेन भी वही हो और डायरेक्शन भी वही हो, प्लेन एंड डायरेक्शन क्या हो सेम हो तब वो क्या होता है, तब वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, तब वो होता है क्या नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे सिग्मा एक्स एक्स ये भी नॉर्मल है, सिग्मा वाई वाई ये भी नॉर्मल है और सिग्मा जेड जेड ये भी नॉर्मल है। तो जब प्लेन और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस, और जब इन दोनों डिफरेंट हो, प्लेन कोई हो और डायरेक्शन कोई हो, तो उस समय सियर स्ट्रेस हो, और जब प्लेन और डायरेक्शन क्या हो प्लेन और डायरेक्शन सेम ना हो तब वो सियर स्ट्रेस होता है, तब वो क्या होता है तब वो आपका सियर स्ट्रेस होता है। भले सिग्मा लिखा जाए, भले ऐसे जैसे कोई लिख दिया सिग्मा एक्स वाई, इसका मतलब एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में, टाउ से नहीं लिखा कोई बात नहीं, सिग्मा से लिखा है ना, पर ये सियर स्ट्रेस है, ये क्या है ये आपका सियर स्ट्रेस है। किस प्लेन में है गुरुजी, एक्स प्लेन में है, किस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। तो ऐसे अगर हम नाम दें तो पहले वाले का नाम होगा सिग्मा इसका इस प्लेन का सिग्मा जेड जेड, क्योंकि ये प्लेन जो है ये प्लेन जो है ये जेड प्लेन है, ये प्लेन जो है वो क्या है जेड प्लेन है। ऊपर वाला जेड प्लेन क्यों जेड प्लेन है, क्योंकि जेड इसका नॉर्मल है, तो ये सिग्मा जेड जेड। ऐसे अगर हम इसका नाम दें इस वाले का इधर की तरफ तो आप कहोगे सर टाऊ है, किधर जेड प्लेन में है और एक्स डायरेक्शन में है, जेड प्लेन में है और किधर है एक्स डायरेक्शन में है। ऐसे अगर इसका नाम पूछें इसका तो आप क्या इसको भी टाऊ ही कहोगे, पर जेड प्लेन में है और वाई डायरेक्शन में है, जेड प्लेन में है पर वाई डायरेक्शन में है, जेड प्लेन में है और किधर है वाई वाई डायरेक्शन में, जेड प्लेन में है और किधर है वाई डायरेक्शन में, क्लियर। ऐसे अगर फ्रंट वाले फेस पर देखें, एकदम फ्रंट एकदम सामने वाले फेस पर, तो एकदम सामने वाले फेस को अगर हम ध्यान से देखें तो सामने वाला फेस एक्स प्लेन है, सामने वाला फेस क्या है एक्स प्लेन है, ये आपका एक्स प्लेन है।
और इसके इस डायरेक्शन की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन। ऐसे अगर हम शियर की बात करें तो शियर जो होगा वो क्या होगा, टाउ एक्स प्लेन है पर वाई डायरेक्शन है, एक्स प्लेन है पर वाई डायरेक्शन है। ऐसे इसका अगर हम नाम लें तो ये होगा टाउ एक्स प्लेन है पर जेड डायरेक्शन में। आई थिंक आपको स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, स्ट्रेस। और इन जनरल आप बताइए, तीन प्लेन है और तीन डायरेक्शन है, तो तीन प्लेन को तीन अलग अलग डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट करने के लिए 3x3 मैग्नीट्यूड तो जो होगा होगा, पर आपको तीन प्लेन को तीन डायरेक्शन में, जनरलाइज बात करें तो तीन प्लेन को तीन डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपका स्ट्रेस मैट्रिक्स, जो स्ट्रेस टेंसर होगा, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स। स्ट्रेस टेंसर में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। अगले देख लीजिए आप, चलिए कोई बात नहीं अपने से देखते हैं। तो स्ट्रेस टेंसर ये पूछा जाएगा, स्ट्रेस टेंसर, अच्छा कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कंफर्म है कि सर तीन प्लेन है, तीन प्लेन है और तीन आपके क्या है, डायरेक्शन है। तो कुल मिला के तीन प्लेन और तीन डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 3x3=9। किसी भी स्ट्रेस टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके 9 एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है, 9 एलिमेंट्स। आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब फर्स्ट जैसे आपने लिखा सिग्मा एक्स एक्स, मतलब ये हुआ एक्स प्लेन में, किसमें, एक्स प्लेन में, और इधर क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन। यहां लिख लो, यहां पर हम कह रहे हैं एक्स प्लेन और वाई डायरेक्शन, और यहां पर जेड डायरेक्शन, यहां वाई प्लेन लिख लो और इधर जेड प्लेन। तो एक्स प्लेन और एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लेन और एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो गया, सिग्मा एक्स एक्स। ऐसे आपका सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई क्या होगा, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन। ऐसे आप लिखिए सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा एक्स जेड, ये क्या होगा, एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन। अब कहीं कहीं इसको टाउ लिख देंगे, इसको टाउ लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों शियर हैं, जब दोनों सेम होंगे तभी नॉर्मल होता है। तो एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन, ऐसे क्या हो गया, सिग्मा वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन, वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन। और फिर इसके बाद क्या होगा, सिग्मा वाई प्लेन वाई डायरेक्शन, वाई प्लेन वाई डायरेक्शन। ऐसे फिर होगा सिग्मा वाई प्लेन जेड डायरेक्शन, सिग्मा वाई प्लेन जेड डायरेक्शन। इसके बाद आया सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा जेड एक्स, जेड प्लेन एक्स डायरेक्शन, इसके बाद जेड वाई, जेड प्लेन वाई डायरेक्शन, इसके बाद क्या हुआ, जेड जेड, सिग्मा जेड जेड। तो स्ट्रेस टेंसर जो होगा उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, स्ट्रेस टेंसर में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। जनरल, इन जनरल जब थ्री डायमेंशनल लोडिंग होगी, अब कोई चीज नहीं है तो 0 होगा, उसमें क्या है, पर ये कंफर्म है कि स्ट्रेस टेंसर या स्ट्रेन टेंसर आपको रिप्रेजेंट करना है तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 प्लेन 3 डायरेक्शन, ओवरऑल 9। अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ आपका एक क्या चाहिए, एक डायरेक्शन, मतलब 3 डायरेक्शन ही चाहिए, प्लेन की जरूरत नहीं है, एक मैग्नीट्यूड चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और 3 डायरेक्शन, तो ओवरऑल क्या हो गया, वो 3 ही एलिमेंट्स उसमें होंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में 3 एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई जेड, पर यहां पे एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन, हर प्लेन की 3 डायरेक्शन, हर प्लेन की 3 डायरेक्शन, तो टोटल 9 हुआ कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। तो स्ट्रेस टेंसर में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर स्ट्रेन टेंसर आए तो स्ट्रेन टेंसर में भी टोटल क्या होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, स्ट्रेन टेंसर में टोटल क्या होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। ओके, सबको क्लियर है स्ट्रेस टेंसर। अब इसी को क्या है कि किसी किसी जगहों पर आपको
जो सेम सेम है वो नॉर्मल है, जो सेम डायरेक्शन सेम प्लेन हो क्या है नॉर्मल, और जो क्या हो डिफरेंट हो प्लेन और डायरेक्शन डिफरेंट हो सियर है। तो स्ट्रेस टेंसर जो है कहीं कहीं आपको मिलेगा ऐसे, स्ट्रेस टेंसर जो होगा वो क्या होगा सिग्मा एक्स एक्स और यहाँ टाऊ एक्स वाई लिख देंगे, यहां पे टाऊ एक्स जेड लिख देंगे। टाऊ इसलिए लिख दिए क्योंकि ये सियर है, क्योंकि ये प्लेन में उसी प्लेन में है, एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन मतलब उसी प्लेन में ही टेंजेंशियल होगा। और इसके बाद आया टाऊ वाई एक्स, टाऊ वाई एक्स ऐसे, फिर यहां अब सिग्मा हो गया, सिग्मा वाई 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 प्लेन वाई डायरेक्शन, और फिर ये क्या होगा टाऊ वाई जेड, और फिर यहां पे टाऊ वाई सॉरी जेड, टाऊ जेड एक्स, जेड प्लेन एक्स डायरेक्शन, टाऊ जेड वाई और सिग्मा जेड जेड। तो रिप्रेजेंटेशन कभी कोई अगर वैल्यू आ जाए दिया रहे तो आप जान पाएंगे कौन सा स्ट्रेस क्या है। जैसे इसी में अगर हम बात करें ऐसे दिया हो कि एक स्ट्रेस टेंसर है 10 3 0 -3 0 0, ठीक है, और इसके बाद क्या है कुछ भी 0 0 -15 ऐसे दिया हो। अगर आपको ऐसे दिया हो तो आप पहले ये जब जानते रहेंगे तो आप तुरंत समझ पाएंगे कि गुरुजी यहां पर सिग्मा एक्स एक्स जो है वो 10 मेगा पास्कल या जो भी हो, और यहां पर टाउ एक्स वाई जो है वो 3 है, और यहां पर सिग्मा जेड जेड जो है, सिग्मा जेड जेड जो है वो -15 है और सब 0, या फिर टाऊ वाई एक्स जो है, टाऊ वाई एक्स जो है वो -3 है। कितना आसान था। तो जब आप स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन जानेंगे, स्ट्रेस टेंसर के बारे में जानेंगे, तभी आप वैल्यू को कोरिलेट कर पाएंगे। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है प्लेन को, सेकंड टर्म रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। पंकज जी आपको समझ में आ रहा है? तो एक बात और ध्यान रखिए, डीआरडीओ का एग्जाम बहुत नजदीक है, एसएससी जेई की भी तैयारी आप करते रहिए, रेगुलर एफर्ट से ही चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी। और आप एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट इतने आसान नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आपको इसको रेगुलरिटी से ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बहुत आसान चीजें नहीं है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, रेगुलर रहिए। तो अब हमारे ख्याल से आप स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन समझ गए होंगे। अब एक नया टर्म आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सियर स्ट्रेस होता है। जैसे मान लीजिए ये है, अभी देखिए थिकनेस हर बार दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक बार, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। अब अगर हम इसका नाम पूछें, इस वाले का नाम, तो आप क्या बताओगे, और अगर हम इसका नाम पूछें तो आप क्या बताओगे, अगर हम नाम पूछें तो क्या बताओगे, तो आप बताइए इसका नाम क्या होगा। सर एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन है, एक्स इसके नॉर्मल है, तो इसका नाम होगा टाऊ एक्स वाई, इसका नाम क्या होगा टाऊ एक्स वाई, और इसका नाम जो होगा वो टाऊ वाई प्लेन है और एक्स डायरेक्शन है, टाऊ वाई एक्स। ध्यान से देखो, ये होगा टाऊ एक्स वाई और होगा टाऊ वाई एक्स, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन, बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इस प्लेन पर लग रहा है टाऊ एक्स वाई, और इस प्लेन पर लग रहा है थिकनेस वन, समझिएगा थिकनेस है, थिकनेस बाहर जेड डायरेक्शन में, थिकनेस आपका बाहर किधर है जेड, इसका एक क्रॉस सेक्शन हम ले लिए बस। तो अब यहां से आया ये टाऊ वाई एक्स, और जिस कभी भी आप करेंगे तो इसका उल्टा इधर क्या, इसका भी नाम क्या होगा टाऊ एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव एक्स प्लेन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो इसका भी नाम टाउ एक्स वाई होगा, एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में, और ये जो होगा ये क्या होगा वाई प्लेन
वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन में, वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन में, ये वाई प्लेन में होगा। नीचे अगर हम देखें, नीचे की तरफ इस साइड देखें तो टाउ एक्स वाई नीचे, तो हम यहां पर देखें टाउ एक्स वाई इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और टाउ वाई एक्स इसको क्या करना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। अब यहां से ध्यान से देखो, मान लो ये आपकी लंबाई dx हो, छोटा सा dx, ये लंबाई क्या हो x डायरेक्शन में dx, और इधर मान लो dz, इधर क्या मान लिए dz, और ऊपर की तरफ मान ली ये dy, ये थिकनेस क्या है dy, क्लियर। पहले डायरेक्शन देखिए, तो हमें कंफर्म है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा क्लॉकवाइज। अब नेट मोमेंट तो बैलेंस होना चाहिए, और नेट मोमेंट कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो देखिए टाउ एक्स वाई से अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं, अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो यहां पे टाउ एक्स वाई, ये तो स्ट्रेस है, टाउ एक्स वाई तो ये स्ट्रेस है, और किस प्लेन में लग रहा है, ये लग रहा है डीजेड इंटू डी वाई, डीजेड इंटू डी वाई। आप फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया जब करोगे तभी तो फोर्स पता चलेगा, तो इसमें आपका स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स वाई, और एरिया कितना डीजेड इंटू डी वाई। ऐसे जब इधर की तरफ देखेंगे तो ये भी होगा टाउ एक्स वाई नीचे की तरफ, और इसका डीजेड इंटू डी वाई। इसके बाद अगर हम ऊपर वाले फेस में देखें, ऊपर वाले फेस में, ऊपर वाले फेस में, ऊपर वाले फेस में, तो ये है टाउ वाई एक्स, ये टाउ वाई, पर इसका जब एरिया देखेंगे, इसका एरिया होगा डीएक्स इंटू डीजेड, इसका एरिया होगा डीएक्स इंटू डीजेड, ऐसे इसका भी ये होगा टाउ वाई एक्स, और एरिया अगर हम देखें तो डीएक्स इंटू डीजेड। स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करने पर फोर्स मिलता है, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, तो ये फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस सेपरेटेड है, कितनी दूरी सेपरेट, इक्वल अपोजिट फोर्सेस, ये और ये दोनों इक्वल तो हैं पर अपोजिट फोर्सेस हैं, सेपरेटेड कितनी दूरी है, डीएक्स दूरी है। तो कितना कपल फॉर्म करेंगे, तो आप कहोगे टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई इंटू डीजेड इंटू डी वाई इंटू डीएक्स, ये तो फोर्स हुआ, ये फोर्स है, ये क्या है फोर्स, और ये है डिस्टेंस, तो ये आर्म है, फोर्स इंटू आर्म, इक्वल अपोजिट फोर्सेस। फिर से, जब इक्वल अपोजिट फोर्सेस थोड़ा सा सेपरेटेड होते हैं, जब थोड़ा सा क्या होते हैं सेपरेटेड होते हैं, तो वो कपल फॉर्म करते हैं, वो क्या बनाते हैं कपल बनाते हैं, तो फोर्स इंटू आर्म, टाउ एक्स वाई इंटू डीएक्स डीजेड इंटू डीवाई, ये फोर्स है और डीएक्स क्या है आर्म। फेस के बाद दूसरे वाले का पूछो, ये एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा वाला फोर्स कितना है, दूसरा वाला फोर्स है आपका, दूसरा वाला फोर्स आपको मालूम है, दूसरा वाला फोर्स आपको मालूम है, ये फोर्स, ये फोर्स इक्वल अपोजिट है बसरते थोड़ा सेपरेटेड है, तो ये भी कपल बनाएंगे, पर ये क्लॉकवाइज, तो यहां से आएगा टाऊ वाई एक्स, टाऊ वाई एक्स डी एक्स डी जेड, ये तो आपका फोर्स हुआ, ये आपका क्या हुआ फोर्स, और इनटू अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस होगी डी वाई, ये डिस्टेंस क्या होगा डी वाई, ये डिस्टेंस आपका जो होगा वो क्या होगा डी वाई, डी वाई आर्म है यहां पर। इक्वल अपोजिट फोर्सेस, इक्वल अपोजिट फोर्सेस, क्या ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे, क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे, क्लॉकवाइज, और ये आप कपल कैसे निकाल दो, फोर्स इनटू डिस्टेंस से। तो अगर यहां से आप देखें तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं लास्ट वाली, और बचता है टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स के बराबर, टाउ एक्स वाई जो होगा वो टाउ वाई एक्स के बराबर होगा, टाउ एक्स वाई जो होगा वो टाउ वाई एक्स के बराबर होगा। समझ में आया,
टाउ एक्स वाई जो होगा वो टाउ एक्स, तो इसलिए ध्यान रखिए टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहलाते हैं, एक दूसरे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहलाते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया कि इस प्लेन में कुछ शियर स्ट्रेस लगा, उस प्लेन में कुछ शियर स्ट्रेस लगा, इस प्लेन का शियर स्ट्रेस इनटू इसका एरिया ये शियर फोर्स दिया, इस प्लेन का शियर स्ट्रेस इनटू ये एरिया इस प्लेन का शियर फोर्स दिया, और ये चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये टाउ वाई एक्स चाहता है क्लॉकवाइज और टाउ एक्स वाई चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कपल और क्लॉकवाइज कपल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल होना चाहिए, हमने एंटी क्लॉकवाइज कपल को क्लॉकवाइज कपल के बराबर कर दिया, और जब इक्वल किया तो आपका काफी टर्म्स कट गए और बाद में निकल गया कि टाऊ एक्स वाई टाऊ वाई एक्स के बराबर होता है, टाऊ एक्स वाई टाऊ वाई एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आई सबको, बात क्लियर हुई एकदम, सारी चीजें समझ में आ रही है एकदम, देखिए ध्यान से सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, तो आप इसको एकदम क्लियर रखिएगा, सब कुछ आसानी से है, बस ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस एक दूसरे के बराबर। तो स्ट्रेस टेंसर के आप आते हैं, स्ट्रेस टेंसर में, स्ट्रेस टेंसर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिग्मा एक्स एक्स है, ये टाऊ एक्स वाई, ये एक्स प्लेन एक्स वाई डायरेक्शन, ये टाऊ एक्स जेड है, और ये आपका टाऊ वाई एक्स है, सिग्मा वाई वाई है, और यहाँ पर टाऊ वाई जेड है, यहां पर अगर आप देखें तो टाऊ जेड एक्स है, टाऊ जेड एक्स है, और यहाँ पर फिर है टाऊ जेड वाई है, और फिर यहाँ पर सिग्मा जेड जेड है। टोटल एलिमेंट्स क्या है, टोटल एलिमेंट्स क्या है, टोटल एलिमेंट्स हैं आपके स्ट्रेस टेंसर में 9, टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे, 9 होंगे। पर अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ध्यान से, टाऊ वाई एक्स जो होगा ये टाऊ एक्स वाई के बराबर होगा, हम तुम एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, तो टाऊ जेड वाई टाऊ वाई जेड के ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री शियर है, एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर। और ऐसे अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो टाऊ जेड एक्स टाऊ एक्स जेड के बराबर होगा। तो यहां पर ठीक है कि टोटल तो 9 है, पर हमें अगर टाऊ एक्स वाई दे दिया, टाऊ वाई एक्स पता चल गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हैं, तो हमें अगर ये दिया जाए तो वो पता है, हमें अगर टाउ एक्स जेड पता है तो टाउ जेड एक्स भी पता है, टाउ एक्स जेड अगर पता है तो टाउ जेड एक्स भी पता है। तो कंफर्म ये है कि हमें अगर इसमें से देखा जाए तो कितने एलिमेंट्स चाहिए, कितने एलिमेंट्स चाहिए, आप कहोगे 1 2 3, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। तो अगर रिक्वायर्ड की बात करें कि रिक्वायर्ड कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड आपको चाहिए, तो रिक्वायर्ड आप कहोगे गुरुजी 3 नॉर्मल चाहिए और 3 शियर चाहिए, बाकी बचे 3 शियर जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री शियर से निकल जाएंगे। अब ये ना हो टाऊ एक्स वाई दिया हो टाऊ वाई एक्स दिया हो, क्या फायदा, ये तो दोनों बराबर ही होते हैं। 3 अलग अलग शियर दिए हूं, ये क्या हो भी, डिफरेंट डिफरेंट शियर दिए हूं, कॉम्प्लीमेंट्री वाले नहीं। तो टोटल आपको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए तो 6 ही एलिमेंट की जरूरत है, पर रिप्रेजेंटेशन में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, हमें 6 चाहिए, 6 पता हो तो बाकी 3 हम निकाल लेते कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस से। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, इक्वल और क्या होते हैं, अब एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें टोटल रिक्वायर्ड जो चाहिए वो 6 है, रिक्वायर्ड चाहिए 6 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 9 होंगे, किसमें, किसमें,
अब इस नाइन में भी अगर देखा जाए, इस नाइन में भी अगर देखा जाए तो तीन नॉर्मल है और छह सियर है। इस टोटल नाइन में, इस नाइन में अगर हम देखें टोटल नाइन एलिमेंट्स में, तो टोटल नाइन एलिमेंट्स में क्या है, तीन नॉर्मल है, तीन बार दोनों सेम सेम आ रहा है, और तीन नॉर्मल के बाद क्या हुआ, छह सियर है, और छह सियर में से तीन रिक्वायर्ड है। तीन क्या है, रिक्वायर्ड है, तीन दे दिए जाए, तीन हम कॉम्प्लीमेंट्री से निकाल लेंगे। इस फिगर को आप देख लीजिए, ध्यान से काम आएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन चीज है। अभी हम जनरलाइज थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, जनरलाइज किसकी बात कर रहे हैं, थ्री डी की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई, जनरलाइज थ्री डी की बात कर रहे हैं। अब हमें लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो अगली स्लाइड में देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस। यहां तक आपको हमने ये पहले रिप्रेजेंटेशन बता दिया प्लेन और डायरेक्शन। सेकेंड वन आपको बताया, जैसे स्ट्रेस इज अ हायर ऑर्डर टेंसर, कौन सा ऑर्डर, हायर ऑर्डर, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और हायर ऑर्डर टेंसर मीन सेकेंड ऑर्डर टेंसर। स्ट्रेस इज अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर, पहला जो बताएगा वो फेस फेस और इधर डायरेक्शन डायरेक्शन। तो जो ये सिग्मा एक्स है, फेस बोले या प्लेन बोले एक ही बात है, फेस और प्लेन एक ही बात है, फेस प्लेन सरफेस सब एक ही बात है। तो यहां पर एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, तो आप समझ गए टोटल स्ट्रेस इन टेंसर टोटल नाइन है, जिसमें तीन नॉर्मल है और छह क्या है, सियर है। जब मूवमेंट आप इक्वल करेंगे, जब मूवमेंट इक्वल करेंगे तो टाऊ वाई जेड जो आएगा वो टाऊ जेड वाई के बराबर आएगा, बशर्ते नेगेटिव टाइम्स। ऐसे टाऊ एक्स जेड टाऊ एक्स जेड एक्स के बराबर, टाऊ एक्स वाई टाऊ वाई एक्स के बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस कहलाएंगे। बात क्लियर है, एकदम समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है, क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस के बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये हमने समझा दिया है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस क्या, दो सियर स्ट्रेस हुज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा कोई सियर स्ट्रेस जिसका प्लेन जो हो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें आपको ये क्लियर होगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एकदम दिख रहा है सबको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अगर हम पहले वाले का नाम पूछें आपसे, इसका नाम, तो इसका नाम क्या होगा, टाऊ वाई प्लेन में और जेड डायरेक्शन में। ऊपर देखिए आप, वाई प्लेन में टाउ, वाई प्लेन में और जेड डायरेक्शन में, प्लेन वाई है और किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ऐसे अगर हम इसका नाम पूछें तो आप कहोगे टाउ जेड प्लेन में, क्योंकि नॉर्मल जेड है, जेड प्लेन में और वाई डायरेक्शन में, जेड प्लेन में और वाई डायरेक्शन में। क्लियर हुआ, देखिए आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए सब चीजें, आप अपने से रिप्रेजेंट करने को थोड़ा सीखिए। अब तो रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बता भी दिया है, तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा टाउ जेड प्लेन वाई डायरेक्शन, इसका नाम होगा टाउ वाई प्लेन जेड डायरेक्शन। ऐसे नीचे भी होगा, इस साइड इधर होगा और इस साइड इधर होगा। आप जो इसे सरकाना चाहेंगे तो इधर अपोच करेगा इधर। अब इसमें देखें तो डेल्टा एक्स से आपने मल्टीप्लाई किया, डेल्टा वाई से आपने मल्टीप्लाई किया, क्यों डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा है वाई, ये डेल्टा एक्स है, ये लंबाई क्या है, डेल्टा एक्स है, और ये लंबाई क्या है, डेल्टा वाई, और ये लंबाई क्या है, डेल्टा जेड। तो अगर आपको इस फोर्स से स्ट्रेस से फोर्स निकालना है तो एरिया से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एरिया से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये एरिया आपको पता है कि ये डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा
जेड है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड है। और अगर हम यहां पर पूछें तो यहां पर ये क्या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब दूरी इसकी क्या है, तो इसके लिए दूरी जो होगी अगर हम यहां देखें तो टाऊ वाई जेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड, ये तो फोर्स है, और इसके लिए दूरी क्या होगी डेल्टा वाई, इसके लिए दूरी क्या होगी डेल्टा वाई। ऐसे यहां पे टाऊ जेड वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, और इसके लिए दूरी जो होगी वो डेल्टा जेड होगा। तो यहां से आप देखेंगे टाऊ वाई जेड जो होगा वो टाऊ जेड वाई के बराबर आएगा। क्लियर क्लियर। तो फिर से आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होगा, दो शियर स्ट्रेस हुज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, हुज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो ऐसा शियर स्ट्रेस जिसका प्लेन क्या हो परपेंडिकुलर टू। अब जैसे इस प्लेन दोनों का परपेंडिकुलर है। मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेसेस आर सेम एंड डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ सारी बात। अगला कॉम्प्लीमेंट्री शियर, अब इसमें आपको दिख रहा होगा टाऊ एक्स वाई जो होगा वो टाऊ माइनस टाइम्स ऑफ टाऊ वाई एक्स के बराबर होगा, क्योंकि अगर एक्स वाई ऊपर की तरफ, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन है, ये टाऊ एक्स वाई है, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन है। अब देखिए एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन बोलने से पहले एक्सिस क्लियर कर लो, ये वाई है और ये जेड है। तो ये एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन में, अगर इसकी बात करें तो ये वाई प्लेन, वाई प्लेन और ये किधर है एक्स डायरेक्शन में, वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन में। सबको दिख रहा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो आगे सो फाइनली टोटल स्ट्रेस थ्री नॉर्मल थ्री शियर, टोटल सिक्स स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड, टोटल सिक्स स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ सारी बातें, आपको समझ में आई। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो होगी ये सिग्मा एक्स एक्स, यहां पे सिग्मा वाई वाई और यहां पे सिग्मा जेड जेड, यहां पे होगा टाऊ एक्स वाई, यहां पे होगा टाऊ एक्स जेड, और यहां पर आपका टाऊ वाई एक्स होगा, जो कि अगर देखें तो माइनस टाइम्स ऑफ टाऊ एक्स वाई के बराबर होता है। ऐसे यहां पे होगा टाऊ वाई जेड और यहां पर होगा टाऊ एक्स जेड, और टाऊ एक्स जेड जो होता है माइनस टाइम्स ऑफ टाऊ जेड एक्स के बराबर होता है। ऐसे यहां पे टाऊ लिखें तो टाऊ यहां पे क्या लिखेंगे जेड वाई, और ये होता है माइनस टाइम्स ऑफ टाऊ वाई जेड के बराबर। क्लियर हुआ क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, रो कॉलम अगर इंटरचेंज कर दें तो ए इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। कोई मैट्रिक्स अगर है, अगर रो कॉलम अगर हम चेंज करें वही वैल्यू आए, रो और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करें वही वैल्यू आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। रो कॉलम चेंज करें तो वही वैल्यू आए तो क्या होता है सिमेट्रिक, पर रो कॉलम चेंज करें और निगेटिव वैल्यू आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, इसका हमने क्या किया, इसका हमने रो कॉलम चेंज किया, ट्रांसपोज लिया, तो उस केस में अगर इक्वल टू माइनस ए आ गया, ए का ट्रांसपोज क्या आ गया माइनस ए के बराबर आ गया, तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रांसपोज लेने पर, ट्रांसपोज लेने का क्या मतलब हुआ कि रो कॉलम इंटरचेंज करने पर, तो रो कॉलम इंटरचेंज अगर करेंगे किसी भी, फिर से समझिएगा, जब हम रो कॉलम चेंज करते हैं तो ट्रांसपोज निकलता है, और रो कॉलम चेंज करने पर जब दोनों मैट्रिसेस सेम आ जाए तो सिमेट्रिक। मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, तो ये आपका माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसमें क्या होगा माइनस ए, क्या आपका स्ट्रेस टेंसर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या आपका स्ट्रेस टेंसर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल
स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा? क्योंकि तीन कॉलम और तीन रोज, तो कभी भी नंबर ऑफ कॉलम्स अगर नंबर ऑफ रोज के बराबर, ये आपका मैथ है, बेसिक मैथ है, ये आपको आता भी होगा। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर, पंक्ति और कॉलम अगर बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ 3x3 का है, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकेंड टर्म करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर 3x3 बोल रहे हैं, इसका मतलब तीन कॉलम है, तीन रोज है, बात समझ में आ रही? तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मतलब ट्रांसपोज निकालोगे, रो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो माइनस ए आ जाएगा। रो कॉलम को क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए। ये एक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग केसेस में क्या क्या मैट्रिसेस होंगी इसकी बात चल रही है, तो हम सब लोग कल इस पर बात करेंगे। कल ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात होगी, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी डिटेल में। और ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम सब लोग ये जानेंगे, कि भैया क्या साइन कन्वेंशन लिया गया है। तो कल हम सब लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात करेंगे, और उसी समय हम सब लोग ये भी जान पाएंगे कि आपने क्या साइन कन्वेंशन लिया, क्या कैसे। तो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल अभी तक तीन लेक्चर हुए, तीनों को अच्छे से देख लीजिए और कल के लेक्चर को आप आसानी से आगे बढ़ते हुए देखिए, ठीक है? तो सारी चीजें हम आपको फिर से कराएंगे ढंग से और आगे बढ़ेंगे। बस आप पिछले तीनों, मतलब आज का लेक्चर लेते हुए पिछला दो लेक्चर भी देख लें, ठीक है? सब लोग डीआरडीओ और एसएससी की अच्छे से तैयारी करते रहें। पंकज यादव जी, आप डेली क्लास कर रहे हैं तो रेगुलर अटेंड करें। ऐसे ही कई लोग आपके रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, तो वो सब लोग डेली अटेंड करते रहें, ठीक है? तो अनुराग सिंह भी रेगुलर क्लास करते हैं, और दो तीन लड़कियां हैं, प्रिया यादव जी हैं, और फिर शिवांगी चौधरी हैं। तो ऐसे काफी बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो आप सब लोग रेगुलर क्लास करते रहिए। फिर हम मिलते हैं फिर कल एक नए चैप्टर के साथ। कल आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है? कल स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, समझाएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।